लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, साथ ही साथ लखनऊ पूर्वी सीट पर कराए जा रहे उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने आलोक कुशवाहा को टिकट दिया है, वहीं केशवगंज लोकसभा सीट से नवेंद्र पांडे को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, केशवगंज से नवेंद्र पांडे और संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से महसूद अहमद को टिकट दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ से 30वीं बार उम्मीदवार बदला है। पहले यहां से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर, इसके बाद सबीहा अंसारी को टिकट दिया गया था। अब महसूद अहमद उम्मीदवार होंगे।